हेलो स्टूडेंट, प्रोजेक्टाइल में हमारा जो लास्ट टॉपिक बाकी था, प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइन प्लेन, वो अभी डिस्कस कर लेंगे। बराबर। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, वो इंक्लाइन प्लेन थीटा पे, बीटा पे, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन बना दिया। इंक्लाइन प्लेन ने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया है, वो एंगल हम ले लेते हैं कुछ बीटा। बराबर, यानी बीटा एंगल पे इंक्लाइन प्लेन है। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी यू, सपोज ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी यू है, इनिशियल वेलोसिटी यू से अल्फा एंगल पे, अल्फा एंगल पे प्रोजेक्टाइल करवाया जाता है। ठीक है, यहाँ से ये प्रोजेक्टाइल होगा तो उसका पाथ ऐसा कुछ बनेगा इस तरह। अब यू अल्फा एंगल पे प्रोजेक्टाइल करवाया तो उसके दो कंपोनेंट मिलेंगे। एक होगा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, जिसका नाम हम देंगे यू कॉस अल्फा, जिसके साथ एंगल बनाएगा वो कॉस अल्फा, एंड अनदर परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड यू साइन अल्फा। अब यू कॉस अल्फा और यू साइन अल्फा, तो जो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल यानी यू कॉस अल्फा, उसको हम एक्स डायरेक्शन में बोलेंगे, और जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है उसे हम बोलेंगे वाई डायरेक्शन कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट कौन कौन से वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस अल्फा, और वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसमें इनिशियल वेलोसिटी यू साइन अल्फा। जी, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन के हमें यहाँ पे दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक ये वाला और ये ये वाला। यहाँ पे एंगल बीटा है तो यहाँ पे भी एंगल कितना होगा, बीटा। तो जिसके साथ एंगल बनाएगा वो कंपोनेंट होगा जी कॉस बीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा जी साइन बीटा। ठीक है, अब ये प्लेन के पैरेलल जो कंपोनेंट्स होंगे वो एक्स कंपोनेंट, और ये प्लेन के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे वो हमारे वाई कंपोनेंट। तो एक्सिलरेशन इन एक्स डायरेक्शन वो होगा माइनस जी साइन अल्फा, सॉरी बीटा, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सिलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसकी एक्स डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, कम होगी, और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन भी क्या होगा, माइनस जी साइन बीटा। ठीक है, इतने कंपोन ये दो कंपोनेंट से हम सारी चीज़ें वैसे फाइंड कर सकते हैं इंक्लाइन प्लेन में। बराबर, जैसे अब फर्स्ट ले लेते हैं कुछ। अब मुझे कुछ फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, कि भाई कितनी देर तक हवा में उड़ा। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इनटू टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन टी स्क्वायर। ये सब मैंने वाई डायरेक्शन का लिया। टाइम ऑफ फ्लाइट में कल हमने देखा था प्रोजेक्टाइल में कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो, वाई डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो ये हो गया हमारा जीरो इज इक्वल्स टू वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी, अभी हमने देखा यू साइन अल्फा इंटू टी प्लस 1/2, वाई डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन कितना, माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस टर्म, माइनस टर्म लेफ्ट साइड आके क्या बन जाएगा, प्लस, सो दैट
जी कॉस बीटा, जी कॉस बीटा डिवाइड बाई 2 × t² इज इक्वल्स टू यू साइन अल्फा इंटू टी। ओके चलो टी टी कट हो जाएगा, यहाँ पे जो टी बचा उसे हम बोलते थे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू 2 u sin α डिवाइड बाई ये जी कॉस बीटा। तो इंक्लाइन प्लेन पे टाइम ऑफ फ्लाइट उसका इक्वेशन क्या आएगा, 2 u sin α डिवाइड बाई जी कॉस बीटा। ठीक है, अब हम लोग रेंज का इक्वेशन देख लेते हैं। ओके नाउ इक्वेशन ऑफ रेंज, इक्वेशन ऑफ रेंज, रेंज यानी एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करेगा। तो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करता है उसका इक्वेशन डिस्टेंस डी लिखो, एस लिखो, एक्स लिखो, सब सेम है। एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन t², और ये जो टाइम है वो क्या हो, कौन सा होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अभी जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट देखा ना वो है। तो डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन यानी r इक्वल्स टू यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन u cos अल्फा, ये होगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे माइनस 1/2 एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन यानी जी साइन बीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। अब ये इक्वेशन थोड़ा बड़ा होगा और उसका सॉल्यूशन भी थोड़ा बड़ा होगा, तो उससे अच्छा ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो भाई इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ओके ये कंसेप्ट याद रखो कि ऐसे कैलकुलेशन किया जाता है। आपको सब में ना थोड़ी वैल्यूज़ यहाँ पे दे दी होगी, वो वैल्यूज़ ही रखनी है। अब इंक्लाइन जो ये था अप इंक्लाइन प्लेन, यानी कोई ऑब्जेक्ट नीचे है और उसको ऊपर प्रोजेक्टाइल करवाना है। अब हम देखने वाले डाउन इंक्लाइन प्लेन कि कोई ऑब्जेक्ट नीचे है और ऊपर है और उसे नीचे प्रोजेक्टाइल करवाना है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल पे इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर से इनिशियल वेलोसिटी यू से अल्फा एंगल पे प्रोजेक्टाइल करवाना है। अगर ये ऑब्जेक्ट अल्फा एंगल पे प्रोजेक्टाइल होगा तो उसका पाथ हमें कुछ ऐसा मिलेगा। अब उसका इनिशियल वेलोसिटी यू है और ये इनिशियल वेलोसिटी कुछ अल्फा एंगल बना रही है, तो उसके दो कंपोनेंट्स हो गए, एक ये होगा यू कॉस अल्फा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारा यू साइन अल्फा। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज ऐसे होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसके भी हमें दो कंपोनेंट्स मिलेंगे बराबर। तो उसके दो कंपोनेंट्स में एक ये मिलेगा और ये एक ये मिलेगा। तो ये एंगल यहाँ पे बीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, बीटा ही होगा। तो ये जो कंपोनेंट मिला वो कौन सा होगा, जी कॉस बीटा और ये वाला जी साइन बीटा। ठीक है, अब इसके हम एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट चेक कर लेते हैं। तो एक्स कंपोनेंट यानी इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन देखते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस अल्फा
वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू साइन अल्फा। अब सर ये आपने लिखा कैसे, तो भाई जो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल कंपोनेंट होंगे उसे हम एक्स कंसिडर कर रहे हैं, और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है उसे हम वाई कंसिडर करेंगे। तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, वो हो जाएगा प्लस जी साइन बीटा, और वाई डायरेक्शन में कितना होगा, माइनस जी कॉस बीटा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और एक्स कंपोनेंट में इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसमें भी आप टाइम ऑफ फ्लाइट फिर रेंज दोनों चीज़ें फाइंड कर सकते हो। तो वो भी देख लेते हैं कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट, नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट चलो, तो जैसे एक्स डायरेक्शन में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट देखा था, उसमें हमारा लास्ट में इक्वेशन ऐसा कुछ बना, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन डिवाइड बाय एक्सेलरेशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ऐसे भी आप टाइम ऑफ फ्लाइट याद रख सकते हो। हाँ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टी इक्वल्स टू 2 वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन यानी यू साइन अल्फा डिवाइड बाय एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन यानी जी कॉस बीटा। तो ये डायरेक्ट हो गया विदाउट एनी इक्वेशन। ठीक है, ये था हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। आगे बढ़ते हैं रेंज। नाउ रेंज, तो रेंज में एक्स डायरेक्शन, ये एक्स हम जो इंक्लाइन प्लेन है उसे एक्स कंसिडर कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कवर्ड इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर यानी डी इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT² यही इक्वेशन है। हम एक्स डायरेक्शन के लिए स्पेशल लिख रहे हैं क्योंकि हमें रेंज फाइंड करनी है, तो यू एक्स इक्वल्स टू एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी उसकी है यू कॉस अल्फा, फिर यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन यानी प्लस जी साइन बीटा आएगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि यू कॉस अल्फा और जी साइन बीटा कैसे है, दोनों सेम डायरेक्शन में, और TF² तो ये हमारा इक्वेशन ऐसे बन सकता है। यहाँ पे TF का वैल्यू आपको रखना होता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइन प्लेन।